बात करें, बेचारी कांग्रेस का भी जवाब दे दीजिए। मेरे साथी भूल गए मेरे को लगता है, जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर जब से सरकार बनी है, कभी शराब घोटाला हो रहा है, कभी रजिस्ट्री घोटाला हो रहा है, कभी धान घोटाला हो रहा है, कभी खनन घोटाला हो रहा है, कभी किलोमीटर स्कीम घोटाला हो रहा है, कभी एलईडी बल्ब घोटाला हो रहा है, कभी रोहतक पार्किंग घोटाला होता है, कभी माइनिंग घोटाला हो रहा है, कभी पेपर लीक घोटाले हो रहे हैं, होमगार्ड भर्ती घोटाले हो रहे हैं। मतलब नित्य रोज घोटालों के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और ये राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की बात करते हैं भाई, बीजेपी का तो नाम ही हट गया, अब तो मोदी सरकार कहलाती है। और अब दो हम और दो हमारे, दो एक गृह मंत्री एक मोदी और नीचे दो उनके व्यापारी पुत्र। मतलब इस प्रकार की सरकार चलाकर और ये क्या संदेश देना चाहते हैं? आज प्रदेश की जो स्थिति है ये मैं फिर कटिंग दिखा रहा हूँ। प्रदेश में रोजगार करीब 11 लोग कर रहे हैं आत्महत्या। उसके बाद में जी प्रदेश में हर 5 घंटे में एक दुष्कर्म, 24 घंटे में हो रही है चोरी की एक वारदात। उसके बाद है हरियाणा में अपराधियों का जो प्रतिदिन 3 हत्याएं और 3 बलात्कार। 2019 में हरियाणा में हर दिन औसतन 4 बलात्कार व 3 हत्याएं। उसके बाद में जी हादसों में चौथे स्थान पर पहुंचा हरियाणा पूरे देश में। थोड़ा कैबिनेट विस्तार पर भी आ जाइए सर, इन पर हम आगे भी बात कर सकते हैं। आज कैबिनेट विस्तार पर अगर डिबेट है तो उसी पर क्यों ना बात कर ले। क्या अजय गुलिया गलत कह रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार पर भी दो लाइन अगर ये बोल देते तो हम उसका जवाब देते, हमें वो अच्छा लगता? क्या गलत कह रहे हैं अजय गुलिया? अनामिका जी, आपने केवल बबली साहब को, आपने केवल बबली साहब को शुभकामनाएं दी, बस आपने उस पर कुछ बोला ही नहीं। मैंने साथ में गुप्ता जी और बबली जी से ये भी कहा, शुभकामनाओं से आगे गए नहीं आप। जनता के लिए कोई अच्छे मिशन लेकर आए वो हमारे साथ ही रहे, फिर इसलिए मैंने उनको ये अनुरोध किया। ये कहना विकास की बात, हम तो विकास के लिए तैयार ही है। कोरोना काल के अंदर पूरी कांग्रेस प्रदेश पूरा विपक्ष साथ देने को तैयार था और हमने अपने तरीके से काम भी किया और बार बार मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। ये एक हेल्दी राजनीति लगती है ना सर, ये एक हेल्दी, आप बहुत पुरानी पार्टी हैं, ये एक हेल्दी राजनीति लगती है। जब अभी आप बोल रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, और आपका फर्ज भी है, आप सवाल भी पूछ सकते हैं, आप विपक्ष में हैं, आपका ये कर्तव्य है कि आप सवाल पूछें, लेकिन केवल शुभकामनाएं देकर अखबार की कटिंग्स पर ही सवाल आप दागे जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार पे सर आप कुछ खास बोले नहीं, ये बहुत अफसोसजनक है। अनामिका जी एक बात तो बताए, जब मेरे साथी कांग्रेस के बोल रहे हैं मेरा जवाब देना फर्ज बनता है। कोरोना काल पिछले दिनों गया है और तीसरी लहर या चौथी लहर फिर ये दोबारा आ रही है। हमने पिछली लहर में मुख्यमंत्री से बार बार कहा कि आप सर्वदलीय बैठक बिठाए और जो भी हमसे बन पाएगा, जो हम अपने तौर पे तो कर ही रहे हैं, सरकार और हमारे को साथ लेके चले तो हम साथ चलने को तैयार है। और यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने हरेक डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाने उचित नहीं समझा। आप ये देख रहे, सरकार चौक तो लेना ही नहीं चाहती ना, वो केवल अपनी अहम दिखाना चाहती है कि हम सब कुछ है, और अपनी अहम की वजह से पूरी जनता को डुबो रही है। उसी के कारण आज बेरोजगारी की जो स्थिति है प्रदेश के अंदर, भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, उसी कारणों से है। क्योंकि घमंड के अंदर कोई भी किसी से अगर, अरे हम देने को तैयार है, आप हमारे से लेने को भी तैयार नहीं है, जो भी लेने को तैयार नहीं है फिर आप जो की बातें करते हैं, तो कहाँ का औचित्य है? और ये बार बार राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की बात करते हैं भाई, उनके मुकाबले आप कुछ भी नहीं हो। देश आप ही मानते हो चार साल हमने संभाला है, आप तो 4 दिन संभाल कर अपनी नहीं, हमें किसी का मुकाबले को लेकर बात ही नहीं करनी, नहीं किसी के मुकाबले को लेकर बात नहीं। दो साल मिनिमम प्रोग्राम भी लागू नहीं कर पाए। आज चलिए ठीक है, कौशिक साहब कुछ कह रहे हैं, कौशिक जी मैं आ रही हूँ।